लोगों में हम जलील हो रहे हैं सर। यहाँ तो प्लान नहीं बनाना चाहिए था सर। जब हम पंचायत में जाते हैं लोगों के घरों में जाते हैं, कहाँ बने हुए हैं सर? सर इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? झूठ बोल रहा हूँ? लोगों से माफी मांगी है कि वो पैसा आपको मिलने वाला नहीं है, अब लोग हमें जूते मार रहे हैं। जी हमारे पास नहीं जीआरएस, हमारे पास नहीं, काम कैसे करेंगे हम? मीडिया के सामने, मीडिया भी यहीं पे है तो इनके सामने दो दिन के बाद मीडिया भी पूछेगा हमसे कि भाई क्या हुआ था, तो अब तो हम इसकी पूरी तह तक जाएंगे ना। वो नहीं होता ये। अब पंचायतें कई तरह की फीस लगा सकती हैं। उनकी पंचायत में कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग है या वहाँ पे कोई गाड़ियाँ वगैरह रुकती हैं तो वो अड्डा फीस ले सकती हैं। इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है और इसकी इंक्वायरी दो दिन में करके हम बिल्कुल बता देंगे कि इसमें कसूरवार कौन था। कार्रवाई भी की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। सस्पेंड किया जाएगा? बिल्कुल सस्पेंड किया जाएगा। ये नहीं सर, जो बाकी वाला काम कौन करेगा सर? परमानेंट यही चाहिए हमें। ग्राम सेवक आप एक दिन दूसरा लाते हो, दूसरे दिन दूसरा लाते हो सर। सर बजट बजट कैसे बनेगा सर अगर हमारे पास नहीं होगा सर? तो यही वो कौन बनाएगा, एस्टिमेट कौन बनाएगा सर? एस्टिमेट आपके भरे हुए में अगर आपको बताऊं तो मैं एक एक पंचायत की फिगर दे सकता हूं। सर अभी मेरे नरेगा कितने बजट बने हुए सर? ये नवंबर महीना खत्म हो रहा है, अभी तक एमजी नरेगा के एस्टिमेट नहीं बने सर, तो जनाब बोलते हैं बने हुए हैं, कहां बने? आज हमें ये सिखाया जा रहा है कि अब बजटिंग होगी, दो साल हमारे बच गए हैं, तो जो हमने लोगों से वायदे किए हुए हैं जनाब ने 2020 सितंबर महीने हमसे 15FC का प्लान बनाया था, तो वो 15FC का प्लान हमें आज तक नहीं। हमने मैंने कल 500 बंदों की ग्राम सभा करके लोगों से माफी मांगी है कि वो पैसा आपको मिलने वाला नहीं है, अब लोग हमें जूते मार रहे हैं। कुछ ज्यादा कुछ हो गया तो आप देख लीजिए। सबसे पहले तो आप फीस लगा सकते हैं एंटरटेनमेंट पे, भाई कोई मूवी थिएटर है आपकी पंचायत में या कोई मेला ऑर्गेनाइज करता है या कोई सर्कस लगाता है, इस तरह से आप उनसे फीस चार्ज कर सकते हैं। फिर एडवर्टाइजमेंट और होर्डिंग्स के लिए के ऊपर भी आप फीस लगवा सकते हैं, वहां से भी आपकी पंचायत की काफी इनकम हो सकती है। देन आपकी पंचायत में अगर कोई कमर्शियल ट्रैक्टर है, कमर्शियल पर्पज के लिए कोई ट्रैक्टर यूज करता है तो उनसे भी आप फीस ले सकते हो। इसके अलावा कोई भी बिजनेस है, कोई प्रोफेशन है आपकी पंचायत में, आपकी ज्यूरिसडिक्शन में, जैसे कोई वहाँ पे ये आपका राइस मिल है, कोई आटे की चक्की है, आरा है या ईंटों का भट्टा है, वो जो भी आपके वहाँ पे कोई बिजनेस चल रहा है तो वहां से भी आप फीस लगा सकते हो। स्टोन क्रशर होते हैं यहाँ पंचायतों में तो उनसे भी आप ले सकते हो। पावर प्लांट है, कोई डेयरी फार्म है, इसके अलावा कोई आइसक्रीम फैक्ट्री है, कोई इन सब से आप फीस चार्ज कर सकते हो। आपके एक्ट में ये भी लिखा है कि कोई कॉन्ट्रैक्टर अगर आपकी पंचायत में काम कर रहा है, कोई गवर्नमेंट का कोई काम कर रहे हैं तो उनसे भी फीस चार्ज की जा सकती है, ठीक है। कोई ट्रैवल एजेंसी है आपके वहां पे, ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, उनसे आप फीस ले सकते हो। मेला ये हमने किया कवर। शॉप्स की रजिस्ट्री करनी है, रजिस्ट्रेशन ऑफ शॉप्स, वो उसमें भी आप पंचायत जो है वो लगा सकती है फीस। देन अड्डा फीस पंचायत लगा सकती है। आपके पंचायत लैंड पे अगर कहीं पे कोई गाड़ियां रुकती हैं वहां पे आप अड्डा फीस लगवा सकते हो। वो किसी को कॉन्ट्रैक्ट में भी दे सकती है पंचायत ऑक्शन करके। ऑक्शन का प्रोसीजर पता है आप सबको? पंचायत आप लोग ऑक्शन करते हैं, हमने किसी को कॉन्ट्रैक्ट देना है तो उसमें भी आप ऑक्शन करवा सकते हो। ऑक्शन का प्रोसीजर भी इसमें डिफाइंड है एक्ट में आपके। उसमें जिस भी बिड पे आप क्लोज करोगे, मान लीजिए 1,00,000 पे क्लोज हो गई कोई भी ऑक्शन आपने किए तो 1,00,000 पे क्लोज होगी। वो सरपंच खुद करते हैं ये ऑक्शन, सरपंच नायब सरपंच होंगे या उनके साथ कोई तीन या तीन से ज्यादा पांच मेंबर भी होंगे और सेक्रेटरी, ये मिलके ऑक्शन करते हैं। और जिस भी सब जैसे कि 1,00,000 पे आपने अपनी जो बिड है वो क्लोज की, ठीक है, उसके 10 दिन तक उसको आप ओपन रखेंगे और बीट ऑफ ड्रम से आप लोगों को भी बताएंगे कि ऐसे ऐसे हमारा इतने पे ये क्लोज हुआ है। अगर उसमें कोई बीच में 10% इंक्रीज के साथ कोई कहता है कि जी मैं 1,10,000 इसमें दे सकता हूं, तो उससे आपने 10,000 प्लस 10,000 सिक्योरिटी और 25,000 फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने उससे ले लेनी है। उसका हम क्या करें पंचायत में, उसकी कोई बोली लगा के आके क्या करें इसका? आप 1,00,000 का अपना, 2,00,000 का आपको पहले बताया, उसमें जो आपने एक बार बजट बना लिया तो उसका 90% शेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, वो आपको इनाम देगी। वो 1,00,000 का बनाया प्लस 9,00,000 आपका 10,00,000 मिलके आप उस 10,00,000 को कैसे खर्च कर सकते हो वो बजट नोटिफिकेशन करवा के वो कर सकते हो। आपके जहाँ मोबाइल टावर की फीस जिसमें जमा होती है,
जो आपका पंचायत की शामलाट की लैंड कॉम्पनसेशन आती है, आती नहीं, पीएमजेएसवाई वाले देते हैं या कोई भी देते हैं लैंड कॉम्पनसेशन का पैसा देते हैं, वो उसमें जमा होता है और आपके हमारे पास जब तक वो बजट ना हम बनाए तब तक उसको खरीद उसको खर्च करने के अख्तियार नहीं है क्योंकि वो पंचायत का पैसा है। जैसे आपकी मैडम ने बताया सीरा पंचायत है, वहां नारायणा हॉस्पिटल जब बना तो उन्होंने करोड़ों में उस पंचायत को रेवेन्यू दिया, पर वो रेवेन्यू वो खर्च नहीं क्यों नहीं कर पाए कि वो बजट ना बना पाए। पंजाब के लुधियाना के पास एक गांव है, मैं एक बार वही स्टडी करने गया बजट के बारे में, तो उस पंचायत ने क्या किया, उस पंचायत में फ्लैट्स बनना स्टार्ट हुए, तो फ्लैट बनाने वाली कंपनी ने उनको जो नक्शा पास करने की फीस दी 10 करोड़ रुपया, प्लस जब उनको 10 करोड़ मिला 30 करोड़ रुपया उनको नबार्ड वालों ने दिया 40 करोड़, और उस 40 करोड़ में उन्होंने पूरे गांव की गलियां नालियां सारी बना दी, और वो जो नालियां थी वो सारी एक जगह एक बड़ा तालाब बनाया उसमें डाली, और फिर उन्होंने उसको 3-4 और स्टेबलाइजिंग पॉइंट बनाए और पानी साफ करने का तरीका चलाया गया, और उस गांव में मैं रहा 2 दिन, उसमें ना कोई मच्छर था ना कोई मक्खी थी। आपने भी उम्र अपनी देखा, कभी 3-tier सिस्टम देखा था? और ये 3-tier सिस्टम अब आप कभी यूपी में उत्तर प्रदेश में जाओ मध्य प्रदेश में जाओ, वहां बीडीसी डीडीसी और जो सरपंच महकमे बटे हुए हैं, गांव की जो पंचायत की रोड्स हैं वो सरपंच के पास हैं, जो पीएमजीएसवाई की रोड्स हैं वो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के पास है, और बड़ी जो हाईवे की रोड्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर्स के पास है। आने वाले टाइम में पूरा खाका बन चुका हुआ है। मैं आपसे आज एक डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा आपके ग्रुप में सरपंच के, कि आपको करना क्या है, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट पंचायत होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए। आज आपने देखा गवर्नमेंट होम स्टेज का कंसेप्ट ले रही है, टूरिज्म प्रमोट कर रही है, वो किस लिए प्रमोट कर रही है, कि पंचायत को आमदनी हो। वो नहीं होता ये अब आज हमें ये सिखाया जा रहा है कि अब बजट नहीं होगी, 2 साल हमारे बच गए हैं, तो जो हमने लोगों से वायदे किए हुए हैं, जनाब ने 20 सितंबर महीने हमसे 15 FC का प्लान बनाया था, तो वो 15 FC का प्लान हमें आज तक नहीं, मैंने कल 500 बंदों की ग्राम सभा करके लोगों से माफी मांगी है कि वो पैसा आपको मिलने वाला नहीं है, अब लोग हमें जूते मार रहे हैं। तो ये अगर बजटिंग ये करना था तो ये पहले प्रोसेस होना चाहिए था, और अगर 15 FC आपके पास पैसा नहीं था, गवर्नमेंट के पास नहीं था, तो वो पैसा वो हमसे प्लान नहीं बनवाना था, उसमें चेयरमैन का 20% आ गया, हमारा भी आ गया, मैंने अपनी पंचायत का 15% बनाया, लोग मुझे पंचायत घर में जाने नहीं दे रहे हैं, वो हम कैसे फेस करेंगे। मैं तो थैंक्स करना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उन्होंने वो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट का हमें पैसा दिया, तो हम थोड़ा थोड़ा लोगों को कर रहे हैं, लेकिन उसका भी अभी तक लॉर्ड मेयर अटेंडिंग स्टैंडिंग वो सिस्टम डोंट है, हो चुकी है हमारे 1230 काम है तकरीबन हर गांव में, मेरे पास पूरा डेटा है, 3-4 D-class के ट्रैक्टर बने हैं। तो जनाब आपने उसको जेके टेंडर्स की साइट पे जाना है, अगर आपकी कोई दुश्वारी है तो आज हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, आप बताइए कि उसमें क्या दिक्कत है, हम उसको हल करेंगे। अलॉटमेंट के लिए सिंपली एक CDR दे रही है उसमें, जिसने ख्याल में जो जितने भी सरपंच जहाँ पे बैठे हुए हैं एक ही बात को अभी सफर कर रहे हैं, एक तो 15 FC के पैसे के बारे में, दूसरा जो PMAY का जो हमने सर्वे किया था उसमें मकान शिकान तो हमारे कट गए, मेरे तो 34 मकान जो है वो काटे गए, और बिल्कुल डिजर्व लोग ये हम सारे लोग परेशानी फेस कर रहे हैं, बाकी बजटिंग वाला भी हो जाएगा, सब कुछ करेंगे। आप जितने उसमें लिए थे नॉन सेक में, ठीक है, आप मेरे से अगर मुतफिक हो तो 39,000 में से 24,000 घर हमने आधार सीड जॉब कार्ड मैप करके रख दिए हुए। ये नहीं सर, जो बाकी वाला काम कौन करेगा सर, परमानेंट जेई चाहिए हमें, मोहर में एक जेई है सर, शुरू में कोई जेई नहीं है सर, GRS सर, GRS आपने उठा के कैंठी लगा लिया है, ग्राम सेवक आप एक दिन दूसरा लाते हो, दूसरे दिन दूसरा लाते हो सर, सर बजट कैसे बनेगा सर, अगर हमारे पास नहीं होगा सर तो जेई वो कौन बनाएगा, एस्टिमेट कौन बनाएगा सर, एस्टिमेट आपके भरे हुए में अगर आपको बताऊं तो मैं एक एक पंचायत की फिगर दे सकता हूं सर, अभी मेरे नरेगा सर ये नवंबर महीना खत्म हो रहा है, अभी तक MG नरेगा के एस्टिमेट नहीं बने सर, तो जनाब बोलते हैं बने हुए हैं, कहां बने हुए हैं सर, सर इसका मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, ये नवंबर महीना सर खत्म हो रहा है, अब दिसंबर आगे तो हम लोगों में हम जलील हो रहे हैं सर, जहाँ तो प्लान नहीं बनाना चाहिए था सर,
जब हम पंचायत में जाते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं, लोग पूरी यूपी में हर डिस्ट्रिक्ट का, हर पंचायत का, हर ब्लॉक का बना हुआ है। गवर्नमेंट से उसकी सैंक्शन आएगी तभी स्टार्ट होगा। सर 3 साल पहले प्लान बना, आज तक सैंक्शन कब आएगी सर उसकी? ये सर ये फिर देखो ना, जेई हमारे पास नहीं, जीआरएस हमारे पास नहीं, काम कैसे करेंगे हम? बने हुए हैं वहाँ पे, मेरे जीआरएस, मेरे सेक्रेटरी पंचायत वहाँ पे जाके उन्होंने भी देखे और वो प्रॉपर जवाब पे। हाँ जी 125 जी सर, सर मेरे मेरे 10 केस ऐसे हैं जिनको फॉर्म इंस्टॉलमेंट भी नहीं पड़ी हुई है। जिस लेवल पे होगा उसका प्लेस लेवल पे बनाए, जो रूफ लेवल पे होगा उसका रूफ लेवल पे बना, कोई घर नहीं छोड़ रहे हैं। 200 लोगों की लिस्ट तो मैंने निकाली जिनको 50,000 रुपए दिए और काम ही नहीं किया। मीडिया के सामने, मीडिया भी यहीं पे है तो इनके सामने 2 दिन के बाद मीडिया भी पूछेगा हमसे कि भाई क्या हुआ था, तो अब तो हम इसकी पूरी तह तक जाएंगे ना। नमस्कार, आज रियासी के मिनी सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में पीआरआई मेंबर्स और ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारियों की ट्रेनिंग हुई है और इस मौके पर एसीडी रियासी मुख्य तौर पर मौजूद थे और उनके साथ ही जो ट्रेनिंग देने के लिए मुख्य तौर पर पहुंचे थे वो इम्पा और आरडी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर रुचि गुप्ता जी थे, उनसे बातचीत करेंगे। मैम क्या कुछ बताया गया है सरपंच को और उनका किस तरह से रिस्पांस था? क्या तमाम जो चीज़ें आपके द्वारा बताई गई थी, इंटरेस्टेड दिख रहे थे सरपंच इस तरह से, क्या वाकई में पंचायतों के लिए फंड इकट्ठा किया जा सकता है और विकास पंचायतों का हो सकता है? जी बिल्कुल, इनफैक्ट ये जो हमने प्रोग्राम ऑफ कैंपस कोर्स ये किया हमने, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि हम हमारे पीआरआईज़ को बता सके कि बजट जो है वो कैसे बनाना है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है रियासी में कई सारी पंचायतें हैं, उनके पास अपने खुद के रिसोर्सेज भी हैं लेकिन वो बजट नहीं बना रहे हैं। सो ये एसीडी साहब ने भी हमारे नोटिस में लाया था और उन्होंने कहा कि इसमें काफ़ी ज़रूरत है ट्रेनिंग की, इनको पूरा बताया जाए कि क्या प्रोसीजर है, बजट किस तरह से बनता है, क्या क्या वसायल हो सकते हैं, पंचायतें किस तरह से अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकती हैं। सो इन सभी एस्पेक्ट्स को हमने यहाँ डिटेल में डिस्कस किया। हमारे साथ हमारे मास्टर ट्रेनर यूसुफ जी भी थे और यहाँ पे काफ़ी लंबी और अच्छी डिस्कशन भी हुई और मुझे लगता है इस ट्रेनिंग के बाद काफ़ी फ़ायदा भी हुआ होगा हमारे पीआरआईज़ को, उनको पूरा, और जो हमारे उनके ऑफिशियल्स हैं स्पेशली, कि किस तरह से बजट बनाया जाना चाहिए। सो वो सारा प्रोसेस, क्या क्या माध्यम ऐसे हैं जिनके जरिए पंचायतें फंड इकट्ठा कर सकती हैं और उससे पंचायतों का विकास हो सकता है? बिल्कुल, पंचायतें कई तरह की फ़ीस लगा सकती हैं, उनकी पंचायत में कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग है या वहाँ पे कोई गाड़ियाँ वगैरह रुकती हैं तो वो अड्डा फीस ले सकती हैं, होर्डिंग्स, एडवर्टाइजमेंट्स या सैनिटेशन सेस लगा सकती हैं, जैसे वो साफ सफाई का काम करवा रही हैं अपनी पंचायतों में तो वो यूज़र चार्जेस लोगों से ले सकती हैं। माइनिंग के ब्लॉक्स जो खुले हुए हैं, क्या उन पर भी चार्जेस लगा सकते हैं? जो छोटे नाले हैं वहाँ पे पंचायतों को राइट्स हैं कि वो वहाँ पे रॉयल्टी ले सकती हैं, जो कि ऐसे नाले जो जी माइनिंग के अंडर नहीं है, छोटे 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 नाले, और इसमें मुझे लगता है इसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी अब आ रहा है कि कुछ अलॉट कर दिए जाएंगे ब्लॉक्स ऐसे पंचायतों को जहां से वो रॉयल्टी ले सकती हैं। जी जी शुक्रिया सर, आप भी यहां पे मौजूद थे, 15FC के पैसे की यहाँ पे मांग उठी है और घर बनाने को लेकर भी देखा गया है कि तमाम चीज़ें जो नाराज़गी भी देखी गई है, उस पर क्या कहेंगे और आज की ट्रेनिंग के बारे में? जो आज का मुख्य ट्रेनिंग था, हमें पंचायत बजटिंग पे ट्रेनिंग थी कि अब जो गवर्नमेंट है ऑफ इंडिया है वो चाहती है कि 3 tier पंचायत के इस्टेब्लिश हो चुके हैं तो पंचायत को एम्पावर करने के लिए अपने जो इनके रिसोर्सेज हैं उनको एक प्रॉपर वे से मैनेज हों ताकि पंचायत के एक इनकम के सोर्सेज बन सके और जो डेवलपमेंट है उससे और डेवलपमेंट होगी। जैसे कि बताया कि एक पंचायत अगर अपना बजट 2 lakh rupees का बनाती है तो उसको 90% से ज़्यादा, जो मतलब कि तकरीबन 90% 9-10 lakh के करीब होगा, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी और वो कुल राशि बन जाएगी 12 lakh rupees। तो वो है कि पंचायत की उसकी जो डेवलपमेंट होगी वो एक प्रॉपर वे से, आज पंचायतों को 29 डिपार्टमेंट्स दिए हैं, उसके अख्तियार दिए हैं, तो पंचायतें एम्पावर ऐसे ही होंगी। इनको जब बजटिंग का कंसेप्ट बनेगा और बजटिंग होगी तो इसके साथ ही और भी अदारे इनके साथ और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और डिपार्टमेंट्स जुड़ेंगे जो इनको और स्कीमों में पहल करेंगे, पर फर्स्ट हमें होगा कि अपने पहले रिसोर्सेज क्रिएट।
करने पड़ेंगे, जैसे बजट बनाने के लिए इनके जो अड्डा फीस ये कहीं चार्ज कर सकते हैं, कहीं पंचायत कहीं अपनी जो मैप्स के जो रेवेन्यू आता है उसको अपने साथ जोड़ सकते हैं, और भी जो सोर्सेज हैं इनको लैंड कंपनसेशन मिलती हैं शामनाड लैंड की वो उसमें जोड़ सकते हैं। तो एक बजट बनाएंगे तो एक बजट का जो पैसा होगा वो सारा इनकी पंचायत की ही डेवलपमेंट पे लगेगा, मोबाइल टावर की फीस इसमें जोड़ सकते हैं। तो ये इसके बारे में इनको सेंसिटाइज किया गया है। तो बात की है कि 15FC प्लान की बात की है, तो 15FC प्लान हमने बनाया हुआ है, चूँकि पूरे UT ने बनाया कि हर डिस्ट्रिक्ट हर ब्लॉक हर पंचायत में बना हुआ है, और जैसे ही ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसमें स्वीकृति मिलती है तो ये प्लान इम्प्लीमेंट हो जाएगा। रही बात प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की योजना की, तो जैसे ही वो एक सार लोअर के सरपंच साहब ने इशू उठाया, ये हमारे संज्ञान में नहीं था, मैंने आज ही इसकी इंक्वायरी इनिशिएट कर दी है, और इसकी इंक्वायरी दो दिन में करके हम बिल्कुल बता देंगे कि इसमें कसूरवार कौन था। कार्रवाई भी की जाएगी? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। सस्पेंड किया जाएगा? बिल्कुल सस्पेंड किया जाएगा जो कसूरवार जो इसमें एस्टेब्लिश हुआ कि किसकी वजूहत से हुआ। जी जी, चलिए शुक्रिया। आप कहां से आते हैं, ट्रेनिंग आपने ली है, क्या कहना चाहेंगे, क्या फ़ायदा हुआ है और समझ आई है कि किस तरह से जो पंचायतें हैं अपने स्तर पर फंड इकट्ठा कर सकती हैं? थैंक यू जनाब, मैं सरपंच पंचायत डुबरी ब्लॉक मोहर से हूँ। तो बहुत अच्छा हुआ बजट के बारे में बात हुई, ट्रेनिंग हुई, और हमें इसमें समझ आई कि पंचायत से रेवेन्यू जो लेना है, जैसे दुकानों का लेना है, हमारे छोटे छोटे नाले हैं उनसे हमने, और जैसे अड्डा है वो फीस, और बजट जब हम बनाएंगे जैसे 1,00,000 रुपये का हम बनाएंगे तो कम से कम उसमें 90% जो है गवर्नमेंट हमारी मदद करेगी और पंचायत में डेवलपमेंट होगी। तो हमें बहुत अच्छा लगा, इसमें बड़ा अच्छा रिस्पांस है। हाँ हाँ, बिल्कुल ज़रूर इंशाल्लाह। और 73 अमेंडमेंट के लिए बड़ी डिमांड थी, वो लागू हो चुकी है, 3 टायर जो गवर्नमेंट ये पंचायत राज है वो लागू हो चुका है। तो इसमें हमें यकीन है कि इंशाल्लाह बहुत अच्छी हमारी पंचायतें चलेंगी, और इसमें बजट भी जो हम बनाएंगे उसमें भी हमें रेवेन्यू जो पंचायत से भी आएगा और गवर्नमेंट भी हमें हेल्प करेगी इंशाल्लाह। जी जी, चलिए शुक्रिया, धन्यवाद। तो ऑफ कैंपस ट्रेनिंग हुई है PRI मेंबर्स जो हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट के, और काफ़ी सारे जो सरपंच हैं वो यहाँ पर मौजूद थे, इसके साथ ही ACD रियासी वो मौजूद थे, अनिरुद्ध राय जी, और इसके साथ ही प्रोफेसर रुचि गुप्ता जी मुख्य तौर पर इम्पा और RD विभाग के प्रोफेसर हैं वो पहुंचे हुए थे, और सरपंचिस को ट्रेनिंग दी गई है। इसके साथ ही जो ग्रामीण विकास विभाग के सेक्रेटरी हैं और कुछ कर्मचारी हैं उन्हें भी ट्रेनिंग दी गई है। तो चलिए फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।